चेतन टाक, मोटिवेशनल मेंटर और स्टूडेंट काउंसलर। आज मैं आपको बताऊंगा 80-20 प्रिंसिपल। व्हाट अ प्रिंसिपल जो आपकी लाइफ का पूरा एक्शन प्लान बना सकता है और आपकी लाइफ को एक मीनिंगफुल और प्रोडक्टिव लाइफ बना सकता है। ये प्रिंसिपल है वो आप सब जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। वो आपका जॉब हो, बिजनेस हो, एजुकेशन हो, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, कहीं पे भी ये चीज आप अप्लाई कर सकते हो। इनफैक्ट ये सिर्फ थ्योरी नहीं पर एक ट्रूथ है। क्या है ये 80-20 प्रिंसिपल, उसके बारे में मैं आपको अभी डिटेल में बताता हूं। 17th सेंचुरी में एक एप्पल के पेड़ के नीचे सर आइजैक न्यूटन बैठे थे और उसके सिर पे एक एप्पल गिरा और उसने सोचा कि ये नीचे ही क्यों गिरा, और फिर उसने हमें लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया। ऐसे ही 1906 में इटालियन इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो परेटो ने एक मैथमेटिकली प्रिंसिपल दिया जिसका नाम है परेटो प्रिंसिपल और 80-20 प्रिंसिपल। विल्फ्रेड परेटो वो अपने गार्डन में गए थे, वहां पे उसने देखा कि ग्रीन पी का गार्डन था, उसमें 80% ऑफ द ग्रीन पी मींस मटर है वो 20% प्लांट में से आ रहे थे। थोड़ी दिन तो वो सोचने लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं ये प्रिंसिपल दूसरी जगह पे अप्लाई करूं। फिर उसने इटली की वेल्थ चेक की जिसमें उसने लैंड और मनी दोनों को चेक किया, तो जो उसको रिजल्ट मिला वो चौंक गया कि ये क्या है। उसने देखा कि 80% ऑफ द वेल्थ है वो 20% लोगों के पास है। फिर तो क्या था, वो बन गया 80-20 प्रिंसिपल या फिर परेटो प्रिंसिपल। और ये प्रिंसिपल कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं या सब जगह कैसे अप्लाई हो सकता है वो मैं आपको बताता हूं कि 80% ऑफ द कोई भी बिजनेस है उसका प्रॉफिट है वो 20% कस्टमर से आ रहा है। 80% ऑफ द प्रॉफिट है वो आपका 20% इन्वेस्टमेंट से आ रहा है। 80% ऑफ द एंजॉयमेंट है वो आप 20% फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ कर रहे हो। 80% ऑफ द लिकर मींस अल्कोहल, दारू है वो 20% लोग पी रहे हैं। 80% ऑफ द क्राइम है वो 20% क्रिमिनल्स कर रहे हैं। 80% ऑफ द रोड एक्सीडेंट है वो 20% ड्राइवर्स की वजह से होते हैं। 80% ऑफ द फूड है वो 20% जमीन से उगता है। 80% ऑफ द बुक्स है वो 20% ऑथर की ही बिकती है। 80% ऑफ द फेम है वो 20% एक्टर को ही मिलता है। और ऐसे तो सभी जगह पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। 80% ऑफ द डिस्कवरी है वो 20% साइंटिस्ट ने की है। और 2002 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक स्टडी की, उसमें उसने डिस्कवर किया कि 80% ऑफ द एरर्स है और जो क्रैशेस है वो 20% बग्स की वजह से ही होते हैं। तो ये 80-20 प्रिंसिपल है, हम सब जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है कि वो 20% क्या है। जनरली हम लोग बहुत बिजी रहते हैं, कितने सारे टास्क करते हैं पर वो कभी कभी प्रोडक्टिव नहीं रहते। तो आपके जो 20% प्रोडक्टिव है काम है उसको आपको फाइंड आउट करना है। और फिर क्या करना है आपको, वो कैसे फाइंड आउट करना है वो भी मैं आपको बताता हूं। पहले आपको क्या करना है कि आपको पूरा लिस्ट बनानी है जिसमें आपकी डेली लिस्ट भी हो सकती है और लाइफ टाइम लिस्ट भी हो सकती है। उसमें आपको दो प्रकार के काम है वो रखने हैं। वो एक तो वो है कि शुड डू मीन्स वो आपको करना ही करना है, और दूसरे काम है वो है कुड डू मीन्स वो आप कर सकते हो। ये लिस्ट में से आपको फिर शॉर्ट आउट करना है कि कौन से काम है वो शुड डू है जिसमें से आपको ज्यादातर प्रोडक्टिविटी और रिजल्ट मिल रहा है, तो वो आपका हो गया 20%। इस चीज में आप ज्यादा एक्सट्रीम भी जा सकते हो। वो कैसे, उसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि 1,00,000 लोग है वो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें से 20% मीन्स 20,000 लोग है वो उसके लिए सीरियस होंगे, उसके भी 20% जो 8,000 लोग है वो उसके लिए क्वालिफाइड, उसके में उसमें वो कैपेसिटी होगी कि वो क्रैक कर सकते हैं, और उसके भी 20% मीन्स 800 लोग ही रहेंगे जो कंप्लीटली फोकस रहेंगे, कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और अपना जो एग्जाम है वो क्रैक करके दिखाएंगे। तो ऐसे आप एक्सट्रीम भी जा सकते हो।
और ये प्रिंसिपल आप अपने डेली लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए आपको तीन चीज का ध्यान रखना है। पहली चीज गो स्मॉल, मींस आपके जितने भी टू डू लिस्ट है उसमें से आपके शुड डू वर्क है, जो आपको करना ही करना है, उसको सॉर्ट आउट कीजिए और उस पर वर्क कीजिए। दूसरा है गो एक्सट्रीम, मींस जो भी काम 20% में आप आ रहे हैं उसमें आप अपना बेस्ट दो, अपना एक्सट्रीम दो, जिसके वजह से आपको अपना बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और तीसरा है से नो, मींस जो भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है या फिर वो काम जो इम्पोर्टेंट नहीं है, अनप्रोडक्टिव है, उसको थोड़ी देर के लिए आप से नो, और फिर आपके जो प्रोडक्टिव काम है उसको आप कर सकते हो। लाइफ में ये प्रिंसिपल आप अप्लाई करोगे और अपने अनप्रोडक्टिव काम को एक्सट्रैक्ट करके जो 20% प्रोडक्टिव काम है उस पे काम करोगे, तो आप बेहतर ग्रोथ भी ले सकते हो और बेहतर सक्सेस भी ले सकते हो। आज बस इतना ही। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आपको मेरा भाव से जय स्वामी नारायण।